नमस्कार इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है मैं निशा और अब खबरें विस्तार से भीतरवार में बाइक की टक्कर से एक पाँच वर्षीय बच्चे अरमान की मौत हो गई जिसके बाद परिजनों ने भीम आर्मी के लोगों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर नारेबाजी की परिजनों का अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की जान गई है मृतक बच्चे के परिजनों को आर्थिक सहायता की भी कर रहे हैं मांग वहीं घेराव की सूचना पर बड़ी संख्या में प्रशासन व पुलिस बल मौके पर पहुंच गया इस दौरान पुलिस ने यहां जाम लगा रहे लोगों को हल्का बल प्रयोग कर मौके से खदेड़ दिया गत वर्ष 2 अप्रैल को हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी एवं एसपी नवनीत भसीन के आदेश पर डबरा एसडीएम डी जयंती सिंह के नेतृत्व में डबरा शहर में स्थापित बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की निगरानी के लिए चार सदस्यीय राजस्व हमले की टीम बनाई गई है जिसकी निगरानी तीन अप्रैल दो तक की जाएगी इसके साथ ही पुलिस की भी नाइट पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया है दरअसल बीते वर्ष 2018 में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान ग्वालियर चंबल विभाग में सात लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें उपद्रव के दौरान विमल प्रकाश डबरा की मौत हो गई थी इस घटना में डबरा बंद के दौरान उपद्रवियों ने एडिशनल एसपी राजेश त्रिपाठी पर भी जानलेवा हमला कर दिया था इसके अलावा सिटी थाने में आग लगाने का प्रयास किया गया जिसमें थाने को आगजनी से बचाने के लिए टीआई अमर सिंह से करवार सहित दर्जन भर पुलिसकर्मी भी पथराव में घायल हो गए थे एक साल पूर्व दो अप्रैल को हुई हिंसा के बाद विशेष सतर्कता बरती जा रही है संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती कर दी है इंटेलिजेंस को सूचनाओं के संकलन के लिए अलर्ट किया गया है इसके साथ ही सोशल मीडिया की निगरानी शुरू कर दी है एस ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नागरिक भी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे कानून व्यवस्था के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों की सर्चिंग के साथ वाहन चेकिंग भी कर रही है इसके अलावा लोगों से संवाद किया जा रहा है सिटी सेंटर स्थित रक्षा अनुसंधान के 200 मीटर की जद में आए भवन स्वामियों की नींद उड़ गई है शुक्रवार को वे दिन भर परेशान रहे कभी नगर निगम पहुंचे तो कभी कोर्ट के आदेश की कॉपी के लिए चक्कर लगाते रहे राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले कुछ भवन स्वामी तो नेताओं को दर्द सुनाते रहे उधर नगर निगम भी हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहा है हाई कोर्ट के नए आदेशों के बाद चूंकि निगम मुख्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित अन्य विभागों के सरकारी भवन भी कार्रवाई की जद में आ गए हैं इसलिए अब यह पॉलिसी मैटर हो गया है नगर निगम के बस से बाहर की बात हो गई है निर्णय अब राज्य और केंद्र सरकारों के पाले तक जा सकता है इसलिए निगम अधिकारी अधिक चिंतित नहीं है जब मैं आई कुल एक मकान टूटेंगे या नहीं यह पीड़ित पक्षों पर और सरकार की कार्रवाई पर निर्भर हो गया है अभी हाईकोर्ट का निर्णय ही बंधनकारी रहेगा निगमायुक्त संदीप माकिन का कहना है कि आदेश की कॉपी मिलने पर विधिक सलाह ली जाएगी मार्च के आखिरी में मौसम का मिजाज गर्म हो गया है शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा जिससे लोगों को दिन में तपन का एहसास हुआ अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से लोग दिन भर गर्मी से बेहाल रहे यह सीजन का अभी तक का सबसे ज़्यादा दर्ज अधिकतम तापमान है मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटे में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना भी है फरवरी व मार्च की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी से तापमान नहीं बढ़ पा रहा था लेकिन अब हवा का रुख राजस्थान की ओर से हो गया है राजस्थान की हवाओं ने मौसम में बढ़ा दी है जिसके कारण शुक्रवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई जिससे अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया मौसम केंद्र प्रभारी उमाशंकर चौकसे के अनुसार सर्दी का सीजन खत्म हो गया है जिसे राजस्थान भी तपने लगा है ग्वालियर चंबल संभाग रेगिस्तान के नजदीक है और हवा का रुख भी राजस्थान की ओर से हो गया है इस कारण तापमान बढ़ा है आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा उन्होंने बताया कि अगले दो तीन दिन में अधिकतम तापमान में एक से डेढ़ डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है लेकिन न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है जिवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन में इन दिनों स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। शुक्रवार को यहां स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में साढ़े तीन सौ से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए जहां विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी निगरानी और जांच पड़ताल के बाद ही छात्र छात्राओं को परीक्षा भवन में प्रवेश दिया इसके साथ ही परीक्षा भवन में नकल रोकने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए और आज जो जिवाजी विश्वालय की जो परीक्षाएं स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं जिसमें तीन सौ चौवन बच्चों की आज परीक्षा परीक्षा भवन में है और तो फाउंडेशन को तृतीय प्रश्न पत्र है और परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है दिक्कत नहीं है सुरक्षा के यहाँ गार्ड हैं और बाकी है सुरक्षा के इंतजाम जो विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है वो परीक्षाएँ सभी सुरक्षाएँ मौजूद हैं यहाँ अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ लोकसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस इन दिनों अलर्ट मोड पर है ऐसे में शुक्रवार को डीआरपी लाइन में पुलिस बल की कार्यशैली को और अधिक सुधारने के लिए बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया जहाँ तीन सैकड़ा से, से अधिक पुलिस कर्मियों द्वारा ड्रिल में हिस्सेदारी करने दबंगाइयों एवं बलाइयों से निपटने की अपनी रणनीति तैयार की इस दौरान यहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए आगामी चुनाव और दो अप्रैल की घटनाओं को देखते हुए आज पुलिस लाइन में हमने बलवा परेड का आयोजन किया था जिसमें हमने उनकी पाँच टीम बना के जो निर्देश हैं बलवा ड्रिल के उसमें पाँच टीमें बनाई हमारे फोर्स में से ही कुछ लोगों को बलवाई बनाया गया था और फिर बलवाइयों को कैसे कंट्रोल करना है ये हमने सिखाया उसके लिए सबसे पहले हमने टीयर गैस का उपयोग किया टीयर गैस चलाई उन पर टीयर गैस चलाने के बाद भी जब बलवाई तितर बितर नहीं होते हैं तो हम केन चार्ज करते हैं केन चार्ज के बाद भी अगर तितर बितर नहीं होते हैं तो फिर लाठी चार्ज होती है और उसके बाद भी तितर बितर नहीं होते हैं तो फिर हम गोली चालन करते हैं ये सब आज हमने अभ्यास कराया है पूरे कर्मचारियों को करीब सवा तीन सौ हमारे अधिकारी कर्मचारी आज बलवा परेड में शामिल थे इससे पहले भी हमने पिछले हफ्ते बलवा परेड कराई थी जिसमें लगभग साढ़े तीन सौ पौने चार सौ कर्मचारी शामिल थे नहीं हमारे यहाँ तो सभी जवान हैं जब तक रिटायर नहीं होते सब लोग फिट हैं और सबको सब, सब तरह की ड्यूटी करनी रहती है फिर भी जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं रहते हैं तो उनको हम ऐसे उसमें शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ताकत का भी इस्तेमाल करना रहता है फुर्ती भी चाहिए रहती है पर अभी इन जनरल हम सबको शामिल करते हैं शहर के विभिन्न मार्गों पर आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से, से जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा शहर में चल रहे मैजिक वाहनों को शहर से बाहर करने की तैयारी की जा रही है और शहरी सीमा से बाहर गोले का मंदिर से मालनपुर रूट पर मैजिक वाहनों को भेजने की योजना है ऐसे में मैजिक वाहन चालकों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुँच प्रशासन की इस मंसा को लेकर सवालिया निशान लगाए और शहर में चल रहे वैध मैजिक वाहनों को शहर में ही चलाए जाने के निर्देश जारी करने की बात कही अभी तक जो आठ दस साल से हमारे जो टाटा मैजिक वाहनों को जो कम शहर के विभिन्न स्थानों से कंपू से लक्ष्मीगंज से बाड़े से मरार होते हुए मालनपुर तक के जो परमिट जारी किए गए थे उनको अचानक शहरी सीमा से हटाकर गोलेख मंदिर से मालनपुर कर दिया गया है इस संबंध में हमने एना जलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारे को अधिसूचना जारी होने के बाद परमिट की शर्तों में भी किसी प्रकार से न तो कोई परमिट को है ना आपको बीच में है ना हटाया जा सकता है और न परमिट को है ना संशोधित किया जा सकता है तो हमने निवेदन किया था कि अब जो वर्तमान में हमारे परमिट हैं उनको अधिसूचना जारी होना तक यथास्थिति रखें और ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे कि हमारे लोगों की रोटी रोजी पर असर न पड़े इस संबंध में जलाधीश महोदय ने हमसे कहा है कि आपकी जितनी गाड़ियाँ आपके संगठन से जुड़ी हैं उन गाड़ियों की आप लिस्ट बनाकर हमको दे दीजिए उस लिस्ट के अतिरिक्त अगर जो लोग अगर नहीं आपके संगठन में हैं और नहीं आ रहे हैं ऐसी गाड़ी हमको मिलेंगी तो हम उसके तो कार्रवाई करेंगे पुलिस थानों में महिलाओं को किस तरह शांत वातावरण में पुलिस कर्मियों को अपनी शिकायत से अवगत करा सके और उन्हें कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके इस उद्देश्य से प्रदेश में पुलिस मुख्यालय द्वारा जयपाल प्रोजेक्ट के तहत ऊर्जा डेस्क का निर्माण किया जा रहा है पहले चरण में 12 जिलों को चयनित किया गया है जिसमें ग्वालियर जिला भी शामिल है और ग्वालियर जिले के 25 थानों के पुलिस अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट की जानकारी देने के लिए एस ऑफिस परिसर में शुक्रवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया जहाँ भोपाल मुख्यालय से आई मास्टर ट्रेनर द्वारा जरूरी जानकारियाँ साझा की गई ये पुलिस मुख्यालय के साथ में एक जयपाल प्रोजेक्ट है जिसका एक साल पहले एमओयू साइन हुआ था और ये महिला अपराधों से संबंधित है कि यदि किसी महिला को एक पर्टिकुलर अच्छा सा स्पेस दिया जाए जहां वो शांत होकर के सम्मानजनक तरीके से अपनी बात को कह सके उसके लिए बहुत सारे एक मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास किया गया है तो वो और इस ये जो डेस्क बनाया जाएगा थानों पे उसको नाम दिया गया ऊर्जा डेस्क तो मध्य प्रदेश पुलिस के आ, आ, काम के दौरान इसमें जितने बावन ज़िले हैं तो बावन जिलों में नहीं बारह ज़िले चिन्हित किए गए थे इन बारह ज़िलों में से भी आ, आपके यहाँ जो ग्वालियर ज़िला है इसके आ, इसमें पच्चीस थाने चिन्हित हैं तो इन पच्चीस थानों में से भी आ, कुछ कंट्रोल थाने जिनको हमें इस ट्रेनिंग में नहीं शामिल करना था बाकी के जो थाने बचे हैं उन थानों को आज इस ट्रेनिंग में बुलाया गया था और ये ट्रेनिंग इस बारे में थी कि ऊर्जा डेस्क में महिलाओं को किस तरीके से आपको सुनवाई करनी है किस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन करना है और चूँकि इसमें एस पी लेवल से लेकर के कॉन्स्टेबल स्तर तक के अधिकारी थे आ, शामिल होना है हर किसी का स्टेप बाय स्टेप अपना एक काम है कि इसको इस स्तर पर काम करना है इसको इस स्तर पर काम करना है तो आज इसी विषय पर यहाँ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था मैं भी चौकीदार अभियान की शुरुआत 16 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी इस अभियान के अंतर्गत 31 मार्च को पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम चार बजे देश से संवाद करेंगे इसी क्रम में मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का प्रसारण ग्वालियर जिले में भी किया जाएगा यह कार्यक्रम मेला ग्राउंड स्थित फैसिलिटी सेंटर में आयोजित किया जाएगा उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा की अध्यक्षता में ग्वालियर महानगर के सभी मंडल मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक मोदी हाउस में आयोजित की गई इकतीस तारीख को पूरे भारत वर्ष के अंदर मैं भी चौकीदार हूँ देश का हर नागरिक चौकीदार है देश की सुरक्षा को लेकर और देश में भ्रष्टाचार को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं चौकीदार हूँ और इस देश का एक एक नागरिक चौकीदार है इसको लेकर वो विभिन्न आयामों उसको लेकर बात कर रहे हैं इसी कड़ी में हमारे ग्वालियर में सीधे शिक्षकों से बात करने वाले हैं शिक्षकों को भी कहने वाले हैं कि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में चौकीदार बने इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम है मेले के फैसिलिटेशन सेंटर में इकतीस तारीख को शाम को चार बजे वह कार्यक्रम सम्पन्न होगा जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे और विभिन्न विद्यालयों के हमारे जो टीचर हैं गुरुजन हैं छात्र शिक्षक हैं वो तो सारे शिक्षक सीधे संवाद करेंगे एक दो शिक्षकों से सीधे ग्वालियर में वो चर्चा भी करने वाले हैं बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और यह कार्यक्रम पूरे भारत वर्ष में प्रसारित होगा ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके के सिटी सेंटर स्थित शारदा विहार कॉलोनी में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को दबोच कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया है दरअसल विगत 21 मार्च को शारदा बिहार कॉलोनी में मनीष पांडे के घर चोरी की यह वारदात हुई थी जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी अख्तर खान हनीफ खान और आदिल खान को चोरी के माल सहित दबोचा है आरोपी शारदा बिहार के पास ही महलगांव इलाके में रहने वाले थे शारदा विहार कॉलोनी में मनीष पांडे जो कि श्योपुर में एफ अधिकारी हैं वो निवास करते हैं उनकी पत्नी भी यहाँ एफ अधिकारी सीनियर साइंटिस्ट हैं तो ये अपने घर से श्योपुर पति के पास चली गई थी तो इनका मकान 21 तारीख को इनका मकान सुना था मकान से मकान वगैरह का पूरा सामान रखा था तो एक चोर है आदिल सनोफ खान कब्रिस्तान के पास महलगांव कल्लू सनौफ अब्दुल सनोब अब्दुल अख्तर उम्र पच्चीस साल निवासी कब्रिस्तान महलगांव और एक और लड़का है अकरम इन लोगों ने घर पर चोरी कर ली थी और चोरी का प्रकरण अपने यहाँ तेईस दिन में पंजीबद्ध हुआ था आज इनसे चोरी का माल जिसमें एक एक सौ सात इंची की टीवी है सोने के जेवर हैं डायमंड के जेवर हैं कपड़े हैं और एलईडी एलईडी तो हो गई और प्रेस है और चांदी के चांदी के गिलास हैं चांदी के जेवरात हैं काफ़ी भारी मात्रा में सामान उनकी चोरी का जब तक किया गया और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव नमस्कार